नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं आपके साथ अंकिता। ऑस्ट्रेलिया ने 8 महीने के अंदर तीसरी बार भारत का वर्ल्ड कप जीतने का सपना तोड़ दिया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, वनडे वर्ल्ड कप के बाद अब अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में भी ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 79 रनों से हरा दिया। शनिवार को साउथ अफ्रीका के बेनूनी में हुए फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को बड़े अंतर से मात दी और उदय सहारन की कप्तानी में शानदार खेल रही टीम इंडिया का सपना टूट गया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 79 रन से हराकर 14 साल के बाद वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम की। ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 253 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम मात्र 174 रन पर ही ऑल आउट हो गई और फाइनल मुकाबला हार गई। टीम इंडिया की इस वर्ल्ड कप में पहली हार है, लेकिन वो हार भी फाइनल मुकाबले में आई। वहीं फाइनल मैच में मिली इस हार के बाद भारत के कप्तान उदय सहारन भी काफी मायूस नजर आए। उदय ने स्वीकार किया कि उन्होंने अपनी रणनीति पर अमल नहीं किया और खराब शॉट खेलने का खामियाजा टीम को भुगतना पड़ा। सहारन ने मैच के बाद कहा कि हमने कुछ खराब शॉट खेले और क्रीज पर अधिक समय बिताने में नाकाम रहे। हमने अच्छी तैयारी की थी, लेकिन अपनी रणनीति पर अमल नहीं कर पाए। ये बहुत अच्छा टूर्नामेंट रहा, मुझे अपने खिलाड़ियों पर गर्व है। उन्होंने शानदार खेल भी दिखाया। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल मैच में भारतीय टीम का मिडिल ऑर्डर पूरी तरीके से फ्लॉप रहा। मध्यम क्रम में टीम के चार बल्लेबाजों ने मिलकर मात्र 26 रन का योगदान दिया, जिसमें उदय सहारन ने 8 रन बनाए। इसके अलावा टीम के ओपनर बल्लेबाज अश्विन कुलकर्णी ने भी काफी निराश किया। वो टीम के लिए सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए। भारत के लिए सिर्फ आदर्श सिंह ने ही 47 रन बनाकर टॉप बल्लेबाज रहे, जबकि इस वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले उदय सहारन, मुशीर खान और सचिन धस तीनों ही बल्लेबाज फाइनल मुकाबले में फेल रहे। मुशीर खान फाइनल में 22 रन, उदय सहारन 8 और सचिन धस मात्र 9 रन बनाकर आउट हुए और इसी के साथ टीम इंडिया का वर्ल्ड कप जीतने का सपना भी टूट गया। वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत के लिए आईसीसी ट्रॉफी में काल बन गई है। भारत को साल 2023 में ऑस्ट्रेलिया से 2 आईसीसी टूर्नामेंट्स के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय टीम को जून में ऑस्ट्रेलियाई टीम से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। ऑस्ट्रेलिया ने मुकाबले को 209 रनों से जीता था। इसके बाद हाल ही में हुए वनडे वर्ल्ड कप 2023 में भारत को ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा। भारत के बाद ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 वर्ल्ड कप की सबसे सफल टीम है। उसने 6 बार फाइनल में जगह बनाई थी, इनमें से 4 बार उसे जीत मिली है। ऑस्ट्रेलिया की टीम अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल 2 बार हार चुकी है और दोनों ही बार उसे भारत ने हराया है, लेकिन इस बार भारत को ऑस्ट्रेलिया ने बुरी तरीके से हरा दिया। आपको बता दें कि उदय सहारन की कप्तानी वाली अंडर 19 भारतीय टीम पूरे वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं हारी थी, लेकिन फाइनल मैच में आकर ऑस्ट्रेलिया ने उनका विजय रथ तोड़ ही दिया। तो इस वीडियो को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ Facebook या फिर Instagram पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर कर लें, ताकि एक भी खबर मिस ना होने पाए।